ठीक है, मैं चल नहीं सकती। तो ये बिल्कुल कहना आपका कि मैं देखने से हष्ट पुष्ट लग रही हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं, सबसे पहली बात तो ये गलत है। ठीक है, तो आप जब भी किसी को भेजिए तो एक डॉक्टर के साथ भेजिए। ठीक है, वो एट अ टाइम मेरा जो है टेस्ट लेगा, उसको वहीं पे पता लग जाएगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत नहीं है, और प्लस मैंने जो चोटें दिखाई है वो अब भी मेरे शरीर पे लगी हुई है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा मेरे शरीर पे पूरी चोटें लगी जी। सर सीसीटीवी में ये दिख रहा है ट्रैफिक लाइट, सर सर सीसीटीवी में ट्रैफिक लाइट दिख रही है, गलती किसकी है? ट्रैफिक लाइट में, ट्रैफिक का जो सीसीटीवी लगा है उसमें ट्रैफिक लाइट नहीं दिख रही है, पब्लिक पास हो रही है, ट्रैफिक पुलिस उनको नहीं रोक रही है। ठीक है, और एक टाइम आता है जब एक गाड़ी मुझे हिट करके निकल जाएगी, तब भी पुलिस खड़े होकर के देखती है, और जब मैं उसको रोकती हूँ वायलेशन ऑफ लॉ में, सेल्फ डिफेंस में, ठीक है, तो भी पुलिस खड़े होकर देखती है। जब लोग मुझे 300 मीटर मारते हुए लेके जाते हैं तब भी पुलिस खड़े होकर देखती है। सर ये क्या था? वायलेशन ऑफ लॉ। सर सीसीटीवी सही लगा है? सर सीसीटीवी सही लगा है? सर पिटाई मैंने इसलिए करी है क्योंकि वो 2 साल से, सर मैंने पिटाई इसलिए करी है क्योंकि 2 साल से मेरे शरीर की चोटें आपको बता रही कि मैंने बहुत मार खाई है। सड़कों पे जितने कैमरास लगे हैं 2 साल के निकाल के देखिए, पुलिस ने सिर्फ खड़े होकर देखा, ये भी देखिए। ठीक है, उस दिन उसने लॉ को वायलेट किया, मुझको हिट करता हुआ निकल जाता, तब भी पुलिस ने खड़े होकर के देखा है। अभी भी पुलिस से पूछिए कि उन लोगों के घर में चालान पहुंचा है जिन्होंने जिन्होंने लॉ को वायलेट किया है? वो आदमी उस सीसीटीवी फुटेज में देखिए, वो आदमी व्हाइट लाइन के ऊपर खड़ा है, बल्कि वो व्हाइट लाइन के पीछे खड़ा होना चाहिए। क्या ये वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है? क्या आपने उसके घर में चालान भेजा? आपने मुझ पे लूट का मुकदमा लगाया? आपने मुझ पे लूट का मुकदमा लगाया सर?